से भुगतान नहीं, सहारा 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 से भुगतान नहीं, मतलब हम लोग दो आदमी को बुलाया गया जो उनसे मुलाकात हो गया वहाँ पर जो है सो है क्या वो आप देख नहीं, हम ही कागज उनको दे देंगे, एक बार दे दिए फिर दे देंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं दे दे, शांत हो जाए आदमी, नहीं समझे, ठीक है, सही जगह पहुंच जाए। हम लोग कैसे समझेंगे कि वहाँ चला गया, ठीक है, इसमें विश्वास करना होगा, वही ना, करोड़ों निवेशक का जो है ये सब देखते रहे, हम जा करके देते हैं उनको, ठीक है, करोड़ों निवेशक का ये जमा करता है, हो सकता है आप हम दे देते उनके, हो सकता है कि आपका भी परिवार हो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं करोड़ों निवेशक का जो है जीवन आपके हाथ में है, अलग अलग है कैसा है, उनके टेबल तक पहुँचना चाहिए, अलग अलग है समस्या को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं, सौंपने के लिए आया है, जहां हमें रोका जा रहा है, लेकिन मुझे ज्ञापन देने की बात है और शांतिपूर्ण से हमें अपनी मांग को रखना है कि हमारे जमाकर्ता का भुगतान मिल जाना चाहिए, अगर हमारी जमाकर्ता के भुगतान नहीं मिल रही है तो वर्तमान सरकार की मतदान से बहिष्कार है। और क्या मांग है आपकी, बस हम जमाकर्ता का भुगतान की मांग है, कौन सी जमाकर्ता, किस संस्था, सहारा इंडिया का जमाकर्ता, सोसाइटी से जुड़े हुए हर एक एक जमाकर्ता का भुगतान चाहिए हमें, क्या परेशानी आ रही हो भुगतान होने में, भुगतानियों में मतलब ये हर तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एना दिखाया जा रहा है, मामला चल रहा है, लेकिन वहाँ मामला तो है सोसाइटी में हाउसिंग और रियल एस्टेट का है, हम पूरे देशवासियों पूरे राष्ट्रवासियों का भुगतान जो है सो सहारा सोसाइटी में फंसा हुआ है, इस भुगतान को लेकर के मैं अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपना चाहता हूं कि हमें एक एक जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित करवाने का प्रयास करें, धन्यवाद।